सच्ची घटना पे आधारित मूवी है, जो दंगे से कैसे, मतलब लोग दंगे में क्या क्या होता है, उससे क्या सबक सीखने को मिलता है, समाज में गलत फहमियाँ ना आ जाए, उस बेस पे ये पूरी स्टोरी है। अब आप आगे की बात जरा बताओ इनके बारे में। अच्छा, हेलो एवरीवन, ऑल द चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, सबसे पहले तो सूरत में आके बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आपने इतना अच्छा वेलकम किया हम लोगों का। और अभी हम बात करते हैं हमारी फिल्म की। हमारी फिल्म का नाम है मुजफ्फरनगर, द बर्निंग लव, जलता हुआ प्यार। 2013 में मुजफ्फरनगर में एक इंसिडेंट हुआ था, हिंदू और मुस्लिम, जो कि एक भारत में हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक रहा है। तो मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हो गए थे आपस में, हिंदू और मुस्लिम्स में, जबकि मुजफ्फरनगर पूरे भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ के हिंदू मुस्लिम्स में भाइयों से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार था। तो ऐसी जगह पे ऐसा क्या हुआ कि वहाँ के लोगों को आपस में दुश्मनी हो गई? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? तो हम लोगों ने यूजुअली क्या होता है कि जब दंगों पे कोई फिल्म बनती है तो हम लोग जो गलत चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें, उनको ज़्यादा दिखाते हैं बाहर, और उससे एक मैसेज मिलने की बजाय थोड़ी घृणा आपस में और बढ़ जाती है। लेकिन इस फिल्म में हमने जो चीज़ें YouTube और मीडिया पे उस टाइम कवर अप नहीं हो पाई थी जब वो दंगे हुए थे, कुछ सच्चाइयाँ जो बाहर नहीं आ पाई थी, तो हमने बेसिकली उस पर फोकस किया है। और हमारे डायरेक्टर ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पर्दे पे उतारने की कोशिश की है। बेसिकली जो मेन मैसेज हम इस फिल्म से देना चाहते हैं वो ये है कि हिंदू मुस्लिम हम बाद में हैं, पहले इंसान हैं। मैंने ट्रेलर लॉन्च पे भी ये बात बोली थी कि अगर आप और मैं हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम नहीं जानते हम किस मज़हब से हैं, लेकिन बाय चांस मैं गिर गया या आप में से कोई गिर जाए, तो हम पहले उठाएंगे, पहले ये नहीं देखेंगे भाई ये हिंदू है कि मुस्लिम है। तो एग्जैक्टली पहले जो इंसानियत है हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस फिल्म में ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि जो मुस्लिम्स थे उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को मारा नहीं, हिंदुओं को बचाया भी, मस्जिद के अंदर छुपा छुपा के बचाया कि ये दंगा और ना बढ़े। ऐसे कितनी हिंदू फैमिली थी जिन्होंने इतने सारे मुस्लिम्स फैमिलीज़ को अपने घर में बुरका हटवा के नॉर्मल कपड़े पहनवा के बचा के रखा, जिससे कि ये बातें और आगे ना बढ़े। तो ये जो प्यार था ये कहीं दिख नहीं पाया, तो हमने इस प्यार को फोकस करते हुए और कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे दंगे हो जाती हैं, तो क्यों ना हो, कैसे ना हो, उनको फोकस करते हुए इस फिल्म को बनाया है। बाकी हरीश जी बताना चाहेंगे इसके बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन। मुजफ्फरनगर 2013 का जो एक्चुअली एक ये है, इंसिडेंट है ये, 2013 में जब ये राइड्स हुआ है तो सब लोग ये सोचते हैं हाँ राइड्स हर जगह होता है, राइड्स का जो इंडिया में बहुत जगह हुआ है, गुजरात में भी हुआ है। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि एक छोटी सी चीज़ थी जिसे वहीं दबा सकते थे, लेकिन किसी ने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया, फिर उसको बढ़ावा दिया कुछ लोगों ने, और बढ़ते 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 गया और किसी का कंट्रोल में रहा नहीं, लास्ट में आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसी चीज़ को हमने जरा अपना जो प्रोड्यूसर है मनोज कुमार मांडी, वो वहीं से बिलोंग करते हैं, जो मुजफ्फरनगर से, उन्होंने नज़दीकी से देखा है इस चीज़ को, तो उन्होंने एक स्टोरी लिखा उसके ऊपर, फिर उसके बाद मुझे अप्रोच किया। जब अप्रोच करने के बाद मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं मालूम था, फिर मैं वहाँ पर जाके डिटेल में स्टडी किया इसके बारे में। जब रेकी के लिए गया तो जहाँ जहाँ पर ये दंगा हुआ, क्या क्या उसका इफेक्ट था, बैड इफेक्ट थे, वो सब स्टडी करने के बाद पता लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ताकि इतना किसी को पता नहीं, ना मीडिया में आया, किसी में आया। फिर इसमें कुछ हिडन चीज़ें हैं, क्यों हुआ, इसका कौन है, इसका ये जिम्मेदार कौन है, इसको जरा हमने फिल्मी तरीके से बनाया, एक कम्प्लीटली कॉमर्शियल तरीके से बनाया फिल्म, इसमें एंटरटेनमेंट भी है, सब है। बट जो 2013 का जो मुजफ्फरनगर का जो राइड्स है, उसको एक्चुअल कैसा हुआ, क्यों हुआ, रियल लोकेशन में शूट करके दिखाया है हमने कि इसमें कौन कौन शामिल थे, किस टाइप के लोग शामिल थे, उसको भी थोड़ा सा हमने एक्चुअल नाम नहीं दिया लोगों में, लेकिन बट कमर्शियलाइज करके दिखाया है इस फिल्म को। और एक आम आदमी है जो हीरो हमारे दिखाया, एक नॉर्मल बंदा है जो उसका एम्बिशन रहता है कि नेशनल चैम्पियन बनना रेंज शूटिंग में, तो उसके लिए वो प्रैक्टिस करता रहता है, उसको 2-3 महीने का लीव मिलता है, तो उस टाइम पे वो आता है मुजफ्फरनगर में, फिर उसका सोबर लड़का है वो, फिर वो उस दंगे के अंदर उसका लाइफ में पूरा क्या इफेक्ट होता है, फिर वो उसमें से बाहर निकलने में कितना तकलीफ होता है उसको, ये एक आम आदमी के साथ तो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो चीज़ को इस फिल्म में दिखाया गया।
और जहाँ भी ये जो राइड्स हुआ उस एक्चुअल लोकेशन में जहाँ पे क्या क्या हुआ उसी जगह पे हमने शूट किया है। जितना ऑथेंटिसिटी इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो शायद और बहुत सारे फिल्म बनी है दंगे के ऊपर, इससे पहले भी इवन बॉम्बे आई है, बहुत सारे फिल्म सेट्स लगा के रियल लोकेशन में नहीं करते, स्टूडियो में शूट करके ऐसा हुआ है। बट ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें रियल लोकेशन है और ऑथेंटिक लुक है और लैंग्वेज वहाँ का लगा है, एक्सेंट वहाँ का रखा हुआ है, कैरेक्टर जितना जो सपोर्टिंग जो क्राउड वर्ड में है ये वहाँ का जो एक्चुअल लोगों को यूज़ करके किया हुआ है। भाई ये 17 नवंबर को जब रिलीज होगी पता लगेगा लोगों को कितना पसंद आता है, हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश की। और कुछ पूछना है सर, ये फिल्म कब पूरी हुई? ये लास्ट फरवरी में कंप्लीट हुई है। कंप्लीट फिल्म होने के बाद सेंसर में थोड़ा सा टाइम लगा कि फर्स्ट जो एग्जामिन कमेटी में टाइम लिया, फिर उसके बाद रिवाइज कमेटी ने बैठा देखा, उसके देखने के बाद ऐसा लगा इस फिल्म में एक मैसेज है समाज के लिए। ये राइट्स जो ये मुजफ्फरनगर का जो राइट्स हुआ उसको हमें पोस्टमार्टम नहीं करना है, ना किसी को दिखाना है, दिखाने के साथ साथ लोगों को ये दिखाना है कि आगे ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, अपना जो इंडिया का और कोई स्टेट्स में नहीं होना चाहिए, ये इसमें मैसेज है। तो विधानसभा का चुनाव को देखते हुए ये फिल्म प्रदर्शित की जाएगी? उस हिसाब से तो प्लानिंग नहीं है, ये पहले से टारगेटेड था हम लोगों का रिलीज करना, बट वो सेंसर का डिले हो गया, उस हिसाब से हमने वेट करते करते अभी यहाँ तक। सेंसर को पहले इसका टाइटल में हम लोग 2013 रखा हुआ था, उसको कट करना पड़ा, फिर नीचे एक टैगलाइन डाल दिया द मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव। बर्निंग लव मीन्स एक हिंदू मुस्लिम जो होते हैं भाई भाई के हिसाब से रहते हैं, उनका भी प्यार जल गया एक बार वहाँ पे, तो ये भी है। और अपने फिल्म के अंदर एक लव स्टोरी भी है कि उसमें भी एक बर्निंग लव है, मतलब दोनों का, लड़का हिंदू है लड़की मुस्लिम है। ये इस टाइटल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लव स्टोरी की वजह से या भाई भाई हिंदू मुस्लिम का है, ये आप थिएटर में देखने के बाद ही पता लगेगा कौन सा ये बर्निंग लव है। हाँ जी, कितनी सफल हो सकती है ये, तो जितना अच्छा आप हमारी फिल्म के बारे में लिखेंगे, जितना अच्छा पॉजिटिव मैसेज ऑडियंस तक पहुंचेगा, जितना अच्छे से हम प्रमोट करेंगे, मेरे ख्याल से उतनी सफलता मिलनी चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे यंगस्टर्स जो कमर्शियल फिल्में जैसे मैं पहले करते आया हूँ वो तो हम लोग लाइक कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। मेरी पहली फिल्म यारियाँ थी, हीरोपंती, ये ऑन एंड ऑन कमर्शियल फिल्में हैं दोनों, लेकिन ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिससे मैं पर्सनली इतना अटैच्ड हूँ कि एक फिल्म जिसके ज़रिए हम एक इतना अच्छा मैसेज आज के यंगस्टर्स को, यूथ को दे सकते हैं। क्योंकि जो पहले की जनरेशन थी वो पहले जो सीख के आई वो चलते आ रहा है कि बेटा हिंदुओं से थोड़ा दूर रहो, बेटा मुस्लिम से थोड़ा दूर रहो, लेकिन हमारी जो जनरेशन है इसमें हम लोग ये नहीं मानते। हम ईद पे अपने दोस्तों के घर जाके खीर खा के आते हैं, शीर खोरमा खाते हैं, वो लोग दिवाली पे हमारे यहाँ के गुंजिया खाते हैं। तो हमारे बीच में अब हमारा जो जनरेशन है यूथ, इनके बीच में ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यही चीज़ें और अच्छे तरीके से पर्दे के ज़रिए लोगों तक पहुँचे, और हमारी फिल्म की सक्सेस से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि हम ह्यूमैनिटी को और ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर पाएँ इस फिल्म के ज़रिए। इसका फिल्म जो एक्चुअल लोकेशन है इसका मुजफ्फरनगर का है, वहाँ पे ज़्यादा शूट हुई है, और कुछ पोर्शन है 5 to 6 days का आपको गुजरात में उमरगाँव में शूट हुई है, और एक आध सॉन्ग नासिक में महाराष्ट्र में शूट हुआ, बाकी ज़्यादातर आपका यूपी में ही शूट हुई है। चार सॉन्ग है, एक मोहित चौहान ने गाया है, और एक नकाज अजीज ने गाया है, रितु पाठक और दीपाली साठे, और टी सीरीज म्यूजिक कर रही है। मतलब आपको पूरा कमर्शियल तड़का मिलेगा, एक टपोरी थोड़ा छेड़छाड़ वाला गाना है, एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है जब ये बिछड़ जाते हैं, और एक आइटम सॉन्ग है जो आजकल हर फिल्म में होने लगा है। तो उस तरीके से हमने पूरा कमर्शियली, ऐसा ना लगे कि पब्लिक आके थोड़ा सा बस एक डॉक्यूमेंट्री देख के जाए, तो कमर्शियली भी इस पर पूरा ध्यान रखा गया है कि हर तरह की ऑडियंस इसको पसंद कर पाए फिल्म को। तो आपने तो ये फिल्म का निर्माण किया है, आपने फिल्म बनाई है, ये चुनावी माहौल के अंदर हिमाचल और अपने ये गुजरात में चुनाव आने वाला है 9 तारीख को, जी दिसंबर को चुनाव है, तो
इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा नहीं हो सकता। ये एक ऐसी फिल्म है कि जो नॉर्मल जो हम इंडियंस हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा यूपी और गुजरात या कोई इंडियंस के लिए कोई भी आम आदमी है, वो इस राइट्स वाइट्स ये जो जितना भी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं लोग या हो जाता है या किसी भी वोट बैंकिंग से लेके हो या किसी भी माफिया लोग, इसके लिए लोग हम अलग से रहे, इससे ना इसका नज़दीक ना जाए, ये दिखाता है ये फिल्म। ये इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा, ये किसी के लिए भी नहीं है, ना हिंदू के पार्ट में है या ना मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम दोनों इसको फिल्म को पसंद कर सकते हैं। फिल्म को अबाउट ये 4 CR की फिल्म है, 4 CR की। अगर एक ही सेंटेंस में आपको कहना है कि पूरा सच, तो ये सच क्या था? सच ये तो फिल्म देखने के बाद पूरा इजीली पता लग जाएगा। इसमें सच मींस जो एक छोटी सी चीज़ होती है, कहीं भी होती है गलती किसी से भी, वो हिंदू या मुसलमान ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक लड़का या लड़की गलत कर लेते हैं, और उस चीज़ को हम उसको जात का इसमें बांटना नहीं चाहिए कि किसी से भी गलती हो सकता है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम को छेड़ता है लड़का, वो वहाँ पे कास्ट नहीं पूछता है वो, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं फिर उस छोटी सी चीज़ को कास्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये हिंदू ने मुस्लिम को छेड़ा, मुस्लिम ने हिंदू को छेड़ा, इसमें से राइट शुरू हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए हमें। वही गुजरात सरकार ने कुछ दिया है इसके अंदर? नहीं, गुजरात सरकार का इसमें कुछ नहीं दिया, भारत सरकार ने कुछ नहीं। नेक्स्ट किसी का